हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम मिश्रधन, साधारण ब्याज दर, समय व मूलधन निकालते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि एक ही वीडियो में आपको मूलधन, दर, समय, मिश्रधन और साधारण ब्याज निकालना आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का 42,000 रुपये का साधारण ब्याज होगा। तो देखिए, इस समय हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मूलधन, समय और दर। ये तीनों चीज़ हमें दी हुई है। जो राशि होती है वो हमारी मूलधन कहलाती है, तो इसको हम लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है, 42,000 रुपये। समय हमें दी है 3 वर्ष, और जो दर है वो है 5% वार्षिक। अब जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर प्रतिशत और गुणा समय। अब दर है वो प्रतिशत में है, इसलिए दर के नीचे क्या आता है, 100। ये है हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला। तो मूलधन हमें कितना दिया है, 42,000 रुपये, दर है 5% यानी कि 5/100, और समय है 3 वर्ष। अब 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। अब इन तीनों के हम गुणा करेंगे, 5 × 3 × 42। तो 5 × 3 = 15, और 15 को 420 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। 15 × 2 = 30, हासिल 3, 15 × 4 = 60 और 3 = 63। तो जो साधारण ब्याज है हमारा कितना आया, 6,300 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा कि इस राशि का साधारण ब्याज का क्या होगा, 6,300 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5,000 रुपये का मिश्रधन क्या होगा यदि समय 4 वर्ष व साधारण ब्याज की दर 3% वार्षिक हो। तो देखिए, इसमें हमें क्या निकालना है, मिश्रधन। और मिश्रधन निकालने का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज जमा मूलधन, ये होता है मिश्रधन। तो मिश्रधन के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो मूलधन जो कि हमें दिया हुआ है 5,000 रुपये, और दूसरा साधारण ब्याज जो हमने सवाल नंबर 1 में निकाला है उसी प्रकार निकालेंगे। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन। तो देखिए, यहाँ मूलधन कितना दिया हमें, 5,000 रुपये, दर 3% वार्षिक और समय है 4 वर्ष। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मूलधन हमें दिया है 5,000 रुपये गुणा में दर, दर है 3% वार्षिक और गुणा में समय 4 वर्ष। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा, 50 × 3 × 4। इसके हम गुणा करेंगे, 50 को 3 से गुणा करेंगे 150, 150 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो हमारा साधारण ब्याज है वो क्या आया, 600 रुपये। अब हमें निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, साधारण ब्याज जमा मूलधन। तो साधारण ब्याज हमारा है 600 रुपये और मूलधन कितना है, 5,000 रुपये। अब 5,000 में हम 600 रुपये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,600 रुपये। ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा मिश्रधन। तो हमारा जो आंसर बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राशि का मिश्रधन 12,720 रुपये होगा यदि दर 2% वार्षिक व समय 3 वर्ष हो। तो यहाँ पर देखिए, हमें मिश्रधन दिया है और हमें निकालना क्या है, राशि निकालनी यानी कि मूलधन निकालना है। तो अगर हमें यहाँ पे साधारण ब्याज दिया होता तो मूलधन निकालने का सूत्र साधारण ब्याज वाले सूत्र से निकालते, परंतु यहाँ पर हमें मिश्रधन दिया है इसलिए हमें मान के चलना होगा कि माना
मूलधन कितना है, एक बार हम 100 रुपये मान लेते हैं, दर कितनी है 2%, और समय है 3 वर्ष। इसका हम पहले साधारण ब्याज निकालते हैं, और साधारण ब्याज से हम क्या निकालते हैं एक बार, मिश्रधन। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग में 100। 100 से 100 कट जाएगा, तो साधारण ब्याज कितना हुआ, 6 रुपये। अब हम निकालते हैं मिश्रधन, क्योंकि हमें मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो 100 जमा में 6, तो मिश्रधन कितना है, कितना हुआ 106 रुपये। परंतु हमें मिश्रधन कितना दिया है, 12,720 रुपये। अब हम यहाँ पर इकाई लगाएंगे कि यदि मिश्रधन 106 है तो मूलधन कितना है, 100 रुपये, और यदि मिश्रधन 12,720 है तो मूलधन क्या होगा। तो हम इकाई लगाएंगे, यदि मिश्रधन 106 रुपये है तो मूलधन हमने कितना माना है, मूलधन हमने माना है 100 रुपये, और यदि एक है ये तो 100 भाग में 106, और 12,720 है तो इसको 12,720 से हम गुणा करेंगे। अब इसको हम काटते हैं तो ये पूरा पूरा 12,720 है, वो 106 से कट जाएगा, तो इसको काटेंगे तो ये कितना कटेगा, 120 पर। अब 120 और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। तो हम अगर मिश्रधन 106 है तो मूलधन कितना आया, 100 रुपये, और अगर 12,720 है तो मूलधन कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8,000 रुपये का मिश्रधन 8,480 रुपये हो तथा समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है और समय दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज की दर। तो जब भी हमें दर ज्ञात करना हो, समय ज्ञात करना हो या मूलधन ज्ञात करना हो, तो हमें साधारण ब्याज का सूत्र याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूलधन कितना दिया है, 8,000 रुपये। अब मिश्रधन है, मिश्रधन की सहायता से हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मिश्रधन हमारा 8,480 है, इसमें से 8,000 घटाएंगे तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 480 रुपये, और समय हमें दिया है 3 वर्ष। अब जब भी हमें दर निकालनी होगी तो इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तीनों चीज़ें हमारे पास है। अब हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग में 100, और बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। अब जो जो चीज़ हमें दी है वो सारी की सारी हम इसमें रख देंगे। अब मूलधन हमें दिया है 8,000 रुपये, दर हमें निकालनी है, समय हमें दिया है 3 वर्ष, और भाग में 100, और साधारण ब्याज 480। अब दर को इधर छोड़ देंगे हम, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, दर 480 इधर पहले ही है, ये 100 इधर भाग कर रहा है, इधर आके गुणा करेगा, 8,000 भाग में 3। अब इसको हम काट देंगे 2 जीरो से, 2 जीरो। अब 8 पे ये 8 दाई 80, और 8 छीक 48, 10 पे ये 6 और 2, तो जो दर है हमारी वो क्या आई, 2। तो दर हमेशा किस में होती है, प्रतिशत में। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2%। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राशि ज्ञात करो जिसका 4 से 1/2% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 810 रुपये हो। तो देखिए यहाँ हमें दर दी है, समय दिया है और
साधारण ब्याज दिया है, हमें राशि यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हमें नहीं दिया, हमें ज्ञात करना है। दर हमें दी है 4 से 1/2, यानी कि 4 × 2 = 8 और 1 9/2%। समय है हमारे पास 3 वर्ष और जो साधारण ब्याज है वो है 810 रुपये। अब मैंने पिछले सवाल में बताया, अगर हमें मूलधन, दर, समय या साधारण ब्याज निकालना होता है तो इन चार में से तीन चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो तीन चीज़ हमारे पास है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो उसी प्रकार हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय भाग में 100 और बराबर किसके होता है, ये साधारण ब्याज। अब जो जो चीज़ हमें दी है उसका मान रख देंगे। अब मूलधन हमें निकालना है, तो मूलधन गुणा दर, दर हमें दी है 9/2 गुणा में समय 3 और इन सब के भाग में क्या आएगा 100 और बराबर में साधारण ब्याज कितना है 810। अब मूलधन को इधर छोड़ के बाकी सभी को हम उधर ले जाएंगे। मूलधन 810, इधर ये दोनों भाग कर रहे हैं तो ऊपर आकर गुणा करेंगे और ऊपर 9 और 3 इधर आकर भाग करेंगे। अब इनको हम आपस में काट देंगे, ये 9 × 81 = 3/30। अब हमारे पास ऊपर क्या आ गया, 30 × 2 × 100, तो 30 × 2 = 60, 60 को हम 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6000। तो हमारा जो मूलधन है वो क्या होगा 6000 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में 5500 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6325 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने समय में, इसका मतलब हमें समय निकालना है। 5500 ये हमारी मूलधन है, राशि दी हुई है, तो ये हमारा मूलधन 5%, ये हमें दर दी है जो कि वार्षिक है और इतने रुपए हो जाएगा, इसका मतलब ये हमें मिश्रधन दिया है। मिश्रधन हमें दिया है 6325 रुपये और हमें निकालना क्या है, कितने समय में हमें समय निकालना है। तो इस सवाल में हमें समय निकालना है, समय के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी, मूलधन की, दर की और साधारण ब्याज की। अब यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं है तो इन दोनों की सहायता से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज होता है मिश्रधन घटा में मूलधन, 6325 माइनस मूलधन, ये क्या आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज। अब 5 में 0 5, 2 में से 0 घटाएंगे 2 और 13 में से 5 घटाएंगे 8, तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना आ जाएगा 825 रुपये। अब हमारे पास देखिए मूलधन है, दर है और साधारण ब्याज है, अब हम समय निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज का हम सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग में 100 बराबर में साधारण ब्याज। अब मूलधन हमें दिया है 5500, दर हमें दिए 5 और समय हमें निकालना है भाग में 100, साधारण ब्याज हमें दिए 825। हम समय को इधर छोड़ देंगे बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 825 भाग में इधर 100 दिया है तो इधर आके गुणा करेगा, ये गुणा में 5500 गुणा में 5 है तो ये नीचे आके भाग करेगा। अब इसको हम आपस में काटते हैं, 2 0 से 2 0, 5 पे कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 6 30 और 5 5 25 और 55 पे 55 = 165। तो जो समय है वो कितना आ गया हमारा 3 वर्ष। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में हमने कुल 6 सवाल किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।